सांसद व प्रवक्ता संजय राउत के खिलाफ ईडी के छापे की खबर मिलते ही नागपुर में शिवसैनिक भड़क उठे। इस कार्रवाई को बदले की कार्रवाई बताते हुए महानगर संपर्क प्रमुख दुष्यंत चतुर्वेदी के मार्गदर्शन में वैरायटी चौक में बड़ी संख्या में शिवसैनिक जुट गए। ईडी और भाजपा सरकार के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगने शुरू हो गए। आक्रोशित शिवसैनिकों ने संजय राउत के समर्थन में भी जमकर नारे लगाए। प्रदर्शन के दौरान शिवसैनिकों को उग्र होता देख पुलिस भी एक्शन में आ गई। शहर प्रमुख नितिन तिवारी सहित बड़ी संख्या में शिवसैनिकों को हिरासत में लिया गया। तिवारी ने आरोप लगाया कि शिवसेना के फायर ब्रांड नेता राउत के खिलाफ भाजपा सरकार ईडी के माध्यम से द्वेषपूर्ण कार्रवाई कर रही है और यह शिवसैनिक बर्दाश्त नहीं करेगा। आगे भी सड़कों पर उतर तीव्र निषेध किया जाएगा। आगे बढ़ो, महाराष्ट्र ने कल देखा कैसे अर्जुन खोदकर अपना रूप दिखा रहे थे, किस प्रकार से रुदन प्रक्रिया उनकी चल रही थी। आदरणीय संपर्क प्रमुख दुष्यंत चतुर्वेदी, महानगर प्रमुख नागपुर, इनके नेतृत्व में आज जिस प्रकार से ईडी की कार्रवाई चालू है, जिस प्रकार से द्वेष भावना इस देश में शुरू है, आज शिवसेना की बुलंद तोप माननीय संजय राउत साहब के खिलाफ ये कार्रवाई सिर्फ आवाज दबाने की है। ये शिवसेना है, इसकी आवाज दबने वाली नहीं। शिंदे जैसे 40 आमदार चले गए लेकिन शिवसेना की आवाज नहीं दबी। जितना तुम इस दाब को दबाओगे उतना ये आगे बढ़ेगी। सरफिरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। संजय राउत साहब को जिस प्रकार से ईडी प्रताड़ित कर रही है ये द्वेष भावना है। जय शिवसेनेची तोप, शिवसेनेची तलवार। माननीय संजय राउत साहेब यांच्या घरी आज सकाळपासूनच ईडीची लोक त्या ठिकाणी बसले आहेत आणि हे केवळ फक्त जे केंद्र सरकारच्या माध्यमातून ईडीच्या माध्यमातून आमच्या शिवसेनेच्या संजय राउत साहेब यांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न, दडपण करण्याचा प्रयत्न हे ईडीच्या माध्यमातून भाजपाचं केंद्र सरकारवर या ठिकाणी चालू आहे। काल ज्या पद्धतीने राज्यपाल हे पालक असून या महाराष्ट्राच्या जनतेचा अपमान त्यांनी केलेला आहे, मराठी माणसाचा अपमान केला आहे आणि त्यामुळे संपूर्ण मराठी बांधवाचा नवे या महाराष्ट्रातील सर्व लोकांचा नागरिकांचा राग अनावर झाला आहे, संताप आहे। आणि केवळ हे संताप दाबण्यासाठी आज केंद्र सरकारच्या माध्यमातून आज ईडीची कारवाई माननीय संजय राऊत साहेबाकडे आहे। आणि हे अशाच प्रकारे जे लोक आवाज भारतीय जनता पक्षांच्या विरोधात जे सत्य परिस्थिती जनतेच्या समोर आणण्याचा प्रयत्न करतात त्यातले एक संजय राऊत साहेब आहे। त्यांना आवाज दाबण्याचं काम या हिटलरशाही पद्धतीचं आणि या दडपशाहीचं राजकारण या संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये होत आहे। कॅमेरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ अभिषेक पानसी, BCN न्यूज नागपूर।